जब देवी देवता नाचते थे भगवती नंदा देवी के घोड़े के रूप में बैठे, तो वो जो क्या है भगवती की बहुत बड़ी शक्ति होती थी। आज तो समय भी परिवर्तित हो गया है, लोगों के पास समय भी कम हो गया, उस समय लोग समय भी पूर्ण देते थे। तो जब देवी यहाँ पे नाचती थी तो हाथ पे जो है चावल लेती थी और दो मिनट आप ऐसे बंद करके मुट्ठी बंद करके रखती थी, कुछ देर बाद उसमें अंकुर आ जाते थे, है ना। तो ऐसी शक्ति थी, जौ का जो होता है हरियाली होती है उसको पैर उसमें हाथ से दबाना था ऐसे करके, और उसमें थोड़ा सा जल लिया और भगवती थोड़ी देर देवी आई तो देवी के अंदर इतनी गर्मी होती थी, इस भगवती की शक्ति होती थी कि उसमें बिल्कुल इतने बड़े बड़े जौ हो जाते थे और उसको प्रसादी के रूप में देते थे। जी ये जो चार सींग वाला मेड़ा है इसको खोजते कैसे है कि ये यात्रा में जाएगा? ये जो है राजकुंवर इसके जो है पूजा के प्रारंभ जो करवाते हैं तो उनको सपने हो जाते हैं कि फलाने घर में जो है मेढे ने जन्म ले लिया है। तो जब वहाँ वो जाते हैं पता करते हैं तो वास्तव में वहाँ जन्म हुआ रहता है, और राजगुरु नौटियालों को यहाँ आके बताते हैं कि मेढे ने जन्म ले लिया है, अब आप राज की यात्रा प्रारंभ करें। तो जिनको स्वप्न आते हैं सिर्फ मेढे के बारे में स्वप्न आते हैं या दूसरी चीजों के बारे में? मेढे का ही है उनका मैं, उनके कुल में जो है राज जात का वो जो शुरू करने के लिए मेढे के स्वप्न उनको आ जाता है। माता नंदा देवी का मुख्य स्थान, यहाँ से हर 12 वर्ष नंदा देवी राजजात यात्रा चलती है। शुरू यहाँ से होती है? शुरू यहाँ से होती है और वापसी में संपन्न यहाँ पर ही होती है, जो लगभग 280 किलोमीटर कही थे लेकिन लगभग 300 किलोमीटर के आसपास से ये यात्रा होती है। 21 दिन की यात्रा होती है और 21वें दिन ही यहाँ उसका समापन हो जाता है यात्रा। यहाँ से जब पहले दिन डोली निकलेगी तो जो हमने जो बीच में जो गांव पड़ा था ईड़ा बदानी वहाँ जाएंगी, वहाँ एक रात विश्राम करेंगी, फिर वापस यहाँ आएंगी और फिर तीसरे दिन डोली निकलने के बाद तीसरे दिन यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा के शुरुआत के दौर में जैसे ईड़ा बदानी हो गया, जाख हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे गाँव है यहाँ पर भाविक लोग यात्रीगण जुड़ जाते हैं। कुछ यात्री वापस एक गांव तक आते हैं, फिर उस गांव में पहुंच गए, रात्रि का विश्राम किया, वहां से अपने गांव वापस लौट आए। ऐसे यात्री जुड़ते रहते और छूटते रहते, और जब आखिरी जो पड़ाव होता है वान नाम का जो गांव होता है वहां पिछले साल लगभग 50,000 यात्री थे। और असलियत में जो यात्रा का सर्वोच्च जो पॉइंट है वो वान से शुरू होता है, क्योंकि ये वान जो गांव है ये आखिरी गांव है, वहां तक ही मानवीय बस्ती है, उसके आगे निर्मनुष्य स्थान है, मानवीय बस्ती कोई भी नहीं है। और वहां से लगभग हम लोग 17,000 फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां आगे चलकर कैला विनायक गणेश जी का स्थान है, उसके बाद में रूपकुंड है, उसके बाद में जुरांगली धार है। जुरांगली धार का मतलब होता है यमलोक का द्वार, फिर वहाँ से वो सर्वोच्च स्थान है जुरांगली धार। फिर जैसे ही हम लोग धार पार करते हैं हम लोग नीचे चले जाते हैं, जो शिला समुद्र ग्लेशियर है वहाँ हम लोग एक रात का विश्राम करते हैं, और फिर वहाँ से दूसरे दिन जो आखिरी पड़ाव होता है इसे क्या कहेंगे हम लोग, आखिरी पड़ाव का नाम क्या भाई साहब? रूपकुंड से आगे शिला समुद्र, शिला समुद्र में विश्राम होगा, फिर दूसरे दिन यात्रा ऊपर चली जाएंगी होमकुंड में। फिर जो भेड़ा जो होता है जो चोर सिंह या खाड़ू होता है उसे की विदाई वहां हो जाती है, और फिर जो छतुली होती है वो भाविकगण अपने अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहाँ से यात्रीगण अपने अपने हिसाब से चल पड़ते हैं। फिर घाट जो स्थान जो है नंदकेसरी के पास जो घाट नाम का गांव है, जो रिंगाल का जंगल है, घना जंगल है, उस घने जंगल के रास्ते से वापस यात्रा इसी स्थान पर पहुँच जाती है। तो मतलब जो पहला पड़ाव है वो अपना नोटी गांव हुआ, जो आखिरी पड़ाव है वो रूपकुंड के आगे होमकुंड है, फिर वहाँ से सर्कुलर वे में वापस आती है, वहाँ यात्रा सम्पन्न हो जाती है। फिर वहाँ से होमकुंड से लेके घाट तक यात्रा पैदल होती है, फिर घाट से आगे जो सफर जो है 30-40 किलोमीटर का सफर वो गाड़ियों द्वारा हो जाता है, लेकिन उस वक्त घाट से जो यहाँ लोग जो आते हैं सिर्फ पुजारी गण होते हैं, और कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन पुजारी के सिवाय और कोई यात्री उसके साथ में नहीं होते। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा
15 या 20 लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ माता रानी की पूजा हो जाती है। फिर जो प्रसाद होता है वो प्रसाद का यहाँ गांव में बांट दिया जाता है और कुछ लोगों ने जो दान दिया है उनको पोस्ट के जरिए भेजा जाता है। तो ये है माता नंदा देवी का मूल स्थान, वहाँ श्री यंत्र रखा है माता जी का। मूल नंदा देवी जी यही है? जी जी यही स्थान, यही स्थान है। और जो नंदा देवी पीक है वो पीछे है क्या? पीठ कौन सा है? पीक, हाँ नंदा देवी पीक अभी हमें दिखाई नहीं दिया, बादलों के घने बादल। अच्छा आपने बोला था टॉप से दिखेगा। ये जो अभी हम लोग अगर आप आते हैं जनवरी में तो ये जो पहाड़ है ये पूरा बर्फीले पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, तो उस समय इसके दर्शन हो जाते हैं। नंदा देवी पीक हमें जाक से ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा। अगर उस समय जब हम लोग आ रहे थे मैं देख रहा था तो घना कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया हमें। आज अब आए श्री सिद्धपीठ नंदा देवी नंदा धाम नौटी में नंदा देवी माता जी के दर्शन करने। किस फूल की बात कर रहे हैं? ये क्या, ये अंदर वाला? अच्छा अभी तो मुरझा गया है वो। इसको पारिजात भी तो बोलते हैं ना, मॉर्निंग ग्लोरी। पारिजात तो बिल्कुल सफेद होता है। मैं दिखाऊंगा, पारिजात यहाँ नहीं है। आसमान कितना साफ है। महत्व ये जो श्री चक्र है ये भी नंदा देवी जितना पुराना है या नया ही है अभी? हाँ, ये नंदा देवी के बाद में आया हुआ है लेकिन फिर भी काफी पुराना है। हाँ, पुराना है। शंखदेवताभ्याम नमो शंखदेवताभ्याम नमो पंचजन्य शंखदेवता उदकस्नानां तुभ्यं तीशंप्रदे भगवतीस्नानां प्रति गतां ते नमः चंदनं तुभ्यं तीशंप्रदे कुमकुमं तुभ्यं तीशंप्रदे भगवतीस्तेभ्यां दुर्गादेभ्यां स्तेभ्यां हे मा भगवती शारदे मा भवानी शारदीस्तेभ्यां नन्दादेभ्यां तुभ्यं तीशंप्रदे। पंडित जी, जैसे नंदा देवी की डोली यहाँ से चलती है, ठीक है, तो डोली तो अभी बड़ी स्थिर अवस्था में है, लेकिन जब वो डोली में होती है ना तो बड़ी वो एक्टिव हो जाती है, तो वो शक्ति का कहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली जो है ये नंदा देवी सिद्धपीठ है, तो सिद्धपीठ जो नंदा देवी है यहाँ से आपकी डोली वगैरह कुछ नहीं जाती है। जब राज जात शुरू होती है तो यहाँ पे जो रिंगाल की छंतोली होती है माँ भगवती की, उस वो छंतोली जाती है और भगवती के रूप में यहाँ से चार सिंह वाला जो मेंढा होता है, खाडू होता है, उस पे जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वो भगवती नंदा देवी की जो राजजात यात्रा होती है उसकी अगुवाई करता है और वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे सारे यात्रीगण माँ भगवती की कैलाश यात्रा के लिए यहाँ से चलते हैं। तो महाराज जी, इसके अलावा और भी हैं यहाँ पर, जैसे वीर देवता हैं, गोरजा माई हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। ये माँ भगवती के साथ में रहने वाली गण देव हैं जो साथ में भगवती के साथ रहते हैं, उसके रक्षक देवी हैं। वीर देवता माँ भगवती नंदा देवी का रक्षक है, लाटू देवता वीर का रक्षक है। तो माँ भगवती के नंदा देवी के साथ ये वीर जो है इसका रक्षक है और लाटू देवता इसका भाई है, माँ नंदा देवी का भाई माना जाता है। तो जो भी कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं, तो जो देवी देवता जो के रूप में मानव पे आता है, उसकी प्रतिष्ठा आती है, तो उसके पूजा पाठ यहाँ पे किया और जाता गुर्जा माई? है गुर्जा माई जो है इसकी माता है ना, भगवती के साथ रहने वाली माता हैं, तो माता यहाँ पे रहती है, चंडिका माई है, ये देवी देवियाँ हैं। तो देवियाँ भी भगवती नंदा देवी के साथ में यहाँ पे वास करती हैं और माँ भगवती के साथ अनेक जो है यहाँ पे मंदिर में वास करती हैं। तो ये होता है अखरोट का पेड़ और इस पर अखरोट लगे भी हुए हैं, वो लगे हुए हैं दो, और एक अखरोट मैंने अभी तोड़ा हुआ है, ये रहा। मैं तो ऐसे ही खाने लगी थी, मैंने सोचा ये आलू है, तो पंडित जी ने बताया कि नहीं ये अखरोट है और इसको अंदर तोड़ो तो अखरोट मिलेगा। अब इसे अंदर तोड़ कर देखते हैं कि इस पे अखरोट है या नहीं है। इसे पत्थर से तोड़ते हैं।
टूट गया, लेकिन अभी ये कच्चा अखरोट है। तो जब देवी यहाँ पे नाचती थी तो हाथ पे जो है चावल लेती थी और दो मिनट आप ऐसे बंद करके मुट्ठी बंद करके रखती थी, कुछ देर बाद उसमें अंकुर आ जाते थे। ओ है ना, तो ऐसी शक्ति थी। जौ का जो होता है हरियाली होती है, उसको पैर उसमें हाथ से दबाना था ऐसे करके, और उसमें थोड़ा सा जल लिया और भगवती थोड़ी देर देवी आई तो देवी के अंदर इतनी गर्मी होती थी, उस भगवती की शक्ति होती थी कि उसमें बिल्कुल इतने बड़े बड़े जौ हो जाते थे और उसको प्रसादी के रूप में देते थे। आज हमने तो हम अपने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन अपने माता पिता से ये बहुत बड़ी भक्ति की उन्होंने तो ये घटनाएं अपनी आंखों से देखी है सुनी है, देखी सुनी भी नहीं है, देखी है अपने साथ और हमको बताया है, लेकिन हम जब से हैं तो हमने शायद ऐसा नहीं देख पाया है। तो इस हमारी कुछ शक्ति भक्ति में भी कुछ कमी हो गई है, कलयुग का कुछ असर है, इसलिए जो ये है। लेकिन भगवती का हमने सुना हुआ है। यहाँ पे जब नंदा देवी की पाती होती है, ये अभी नवंबर में होती है, नंदा पाती होती है, तो उस समय यहाँ पे रात भर जागरण होता है। माताएं सारी यहाँ पे गीत लगाती हैं, भगवती के गीत लगाती रहते हैं, कैलाश भेजने के से लेके सारे उसके गीतों को गाती हैं। यहाँ पे पुरुष भी रहते हैं, रात में चाय पानी वगैरह की व्यवस्था होती। ठीक 4 बजे ऐसी वो गीतों की शैली बनती है कि 4 बजे माँ का जो है प्रकट हो जाती है माता रानी। तो जिन जिन की घरों में लोग सोए रहते हैं अपने घरों में, जिन पे देवी आती है और देवी वहाँ से उछाल मार करके बिस्तर से उठ करके और यहाँ पे नाचने के लिए आ जाती है, अपने दर्शन देने के लिए आ जाती है। ये पहले ये कथाएं हमने सुनी है, अब तो इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले ऐसे भी माना गया है। तो महाराज जी, पहले जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर देवी आ जाती थी, अब बहुत सिलेक्टेड हो गए, एक या दो, अब सिलेक्टेड हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि नाचने के लिए भी कम पड़ जाते हैं, लोग नहीं मिल पाते हैं, और पहले काफ़ी लोगों पे देवी देवता आ जाते थे और शक्ति भी उसमें काफ़ी थी। तो उनका आचार विचार अच्छा होता होगा तो आते थे, अपना आचरण बढ़िया होगा, अपना आसन शुद्ध है, अगर आसन शुद्ध है तो मंत्र शुद्ध है, मंत्र शुद्ध है तो भगवान शुद्ध है। तो इसलिए जो है इस तरीके से इसमें भक्ति का वो है। आप तो यहाँ बचपन से हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ, आप अपनी बात भी बता दीजिए, आपने भी तो पता नहीं कितने चमत्कार होते हुए देखे होंगे। हाँ, हमने तो चमत्कार यही देखे हैं कि देवी देवताओं का ही वो पूजा पाठ हम करते रहते हैं, और जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं तो बहुत सिद्ध पीठ इसको माना जाता है, और जो हमसे पूजा पाठ करवाते हैं इस माता रानी की कृपा होगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और दोबारा वो हमको जरूर फोन करते हैं कि आपने पूजा पाठ किया था, हमारी मनोरथ पूरी हो गई है, हम दोबारा आपकी माँ भगवती के पास पूजा लेके आ रहे हैं। तो हमको बहुत खुशी होती है कि माँ रिद्धि और सिद्धि करने वाली है और सबको वरदान देने वाली है। ये यहाँ पे हमने देखा हुआ है, जब से हम यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं तो लोग अपने मनोरथों को सिद्धि के लिए यहाँ पे आते हैं, और लोगों के मनोरथ पूरे होते हुए हमने अपने जीवन काल में यहाँ पे देखा हुआ है। और महाराज जी, ये माता जी के स्वरूप में ऊपर छतरी सी है, ये क्या है? ये रिंगाल की छतोली होती है, रिंगाल होती है, घास होती है, तो रिंगाल घास को जो है भिगाया जाता है, उसको काट के और उसे इसकी बुनाई करके इस रिंगाल की छतोली को बनाया जाता है। ये कुछ विशेष कलाकार लोग होते हैं, वही इनके बनाते हैं, जैसे रिंगाल की टोकरी वगैरह आपने देखी होंगी, इस प्रकार की रिंगाल की छतोली माँ भगवती के लिए बनाई जाती है, तो वो शुभ होती है। ये बहुत शुभ मानी जाती है, रिंगाल जैसे दूब होता है ऐसी कुछ होता होगा, शुद्ध माना जाता है, तो भगवती के ऊपर रिंगाल की छतोली, इसलिए पहले से ही हम पूर्वज से ही इसको देखते हुए आ रहे हैं। और हमने ना रूप कुंड के बारे में सुना है, आपने हमें एक नया कुंड बताया, होम कुंड, वहाँ पर क्या है, वो कैसा लगता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। होम मीन्स होता है हवन, वहाँ पे भगवती का हवन होता है अंतिम दिन, जब हम जो है नंदा की अष्टमी होती है तो नवमी के दिन हम वहाँ पे पहुँचते हैं, नवमी भगवती की नंदा देवी। तो वो रूपकुंड से कितना दूर है? रूपकुंड से जो है वो 2 पड़ाव दूर है, उसके बाद एक रूपकुंड के बाद अगला पड़ाव हमारा शिला समुद्र होता है, और शिला समुद्र से आगे बढ़ते हुए हम अंतिम दिन होमकुंड में जाते हैं, और होमकुंड में स्टे होने के बाद दूसरे दिन होमकुंड में सुबह वहाँ पे पूजा लगती है भगवती की, और पूजा लगने के बाद 4 सिंह वाला जो मेंढा है उसको हम भगवती के रूप में आगे छोड़ देते हैं, और जो है वहाँ से यात्रा वापस होने लग जाती है। महाराज जी, जैसे रूपकुंड की तो पिक्चर है कि वो कुंड बना हुआ है, उसमें कंकाल है, तो होम कुंड में क्या है? होम कुंड में हवन का कुंड बना हुआ है, और अच्छा, वहाँ पे मैदान है, प्राचीन काल से बना हुआ है। किस चीज का? पत्थर का बना हुआ है। कितना विशाल होगा वो? ज्यादा विशाल नहीं है, छोटा ही कुंड है, छोटा कुंड बना हुआ है, छोटा ही कुंड है, छोटा स्थान भी है वहाँ पे, स्थान भी बहुत कम है वहाँ पे, तो भीड़ वगैरह जैसे ज्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जो है कमी लोगों का वो नोटी गाँव का एक सुंदर सा घर। आपने अपना सारा घर कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, सुंदर बहुत, नहीं तरीका बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज ऐसे कायदे से रखी है ना, आर्ट की तरह, उसके ऊपर केतली।
खाना भी आ गया हमारा स्वादिष्ट। सीनिक व्यू है लेकिन पीस वाली फील नहीं आ रही। सोचो आप, पहाड़ तो बहुत हैं लेकिन बद्रीनाथ में जो दिव्यता थी वो दिव्यता आपको पहाड़ों में कहीं और मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वही दिव्यता है जो बद्रीनाथ को सबसे खास बनाती है। हम आए एक पहाड़ी घर खाना खाने। फसल लहर आ रही है। ये देखो आप, रोड कितने नीचे थी, रोड से हम इतना ऊपर आ गए। अभी और जाना है। रोड कितना थी, हम पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ के आ गए। और ये ना सारा का सारा गांव पुराने घरों से बना हुआ है। सारा गांव 100 से 200 साल पुराने घरों का बना हुआ है। इस पूरे गांव में आपको बस 100 से 200 साल पुराने घर ही मिलेंगे। कितना अद्भुत है ये। इनके घर को किसी की नज़र ना लग जाए तो इन्होंने यहाँ पे चप्पल भी लगाई हुई है। गांव है, पुराने घरों की गिनती कभी नहीं हो रही है। ये वॉक करने का अपना आनंद है। ये रोड है जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, वो गाड़ी नज़र आ रही है। कितना चढ़कर 100-200 साल पुराने घरों में होते हुए हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए, पुराने पहाड़ी घरों में। ये हमारी डेस्टिनेशन है। बाकी बाबा तो नहीं रहते हैं, बाबा के लिए अलग बना रखा होगा बस। यहाँ पर भी गुफाएं, हर जगह गुफाएं हैं, नाग देवता है। तो यहाँ पे पैसे डालने का क्या महत्व है? दक्षिण के लिए जो वहाँ जो पूजा अर्चना होती है, जैसे आरती होती है या और कोई त्यौहार आ गया भगवान के लिए, जो लोग जो रोज़ का जो दिया बत्ती का जो खर्चा है, तो जो भक्तगण यहाँ जो दान देते हैं उसी के सहारे चलता है वो। वैसे नाग देवता का मंदिर है। जी जी जी, चढ़ा दो ना गांव वालों की मानते हैं। अगर भेंट चढ़ा दो तो उनको शाम सुबह नहीं दिखाई देते हैं। ये मानता है सपने वगैरह में भी। तो कहते हैं कि सांप दिख रहे हैं मतलब कोई पितर है वो परेशान है। जी, पितरों की शांति हो जाती है। मानते लो इस मंदिर को ना, या किसी की गाय भैंस वो रहेगी तो वो दूध चढ़ाते हैं तो खूब वो होता है। आप सभी से निवेदन है कि हम लोग जब बच्चों को छुट्टियां होती है तो शिमला चले जाते, मनाली चले जाते, जम्मू कश्मीर चले जाते, या जहां भी जो स्थान उचित लगता है वहां चले जाते हैं, ज़्यादातर पर्यटन स्थल में। इस माता रानी के साक्षी में मैं कुछ कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, कभी कभार एक बार इस उत्तराखंड पधारें। उत्तराखंड पधारने के बाद में आप हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए कर्णप्रयाग आइए। कर्णप्रयाग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये नौटी गांव है। नौटी गांव में ये माता नंदा का, नंदा देवी का धाम है, स्थान है। माता नंदा देवी ये साक्षात माँ भगवती पार्वती का ही रूप है। तो आप यहाँ जरूर आइए। अभी मैं हर साल यहाँ आता हूँ, जब भी आता हूँ उत्तराखंड में, तो नौटी धाम का दर्शन किए बगैर मैं वापस अपने गांव, अपने शहर चले नहीं जाता हूँ। वैसे तो मेरा मूल स्थान है महाराष्ट्र पुणे शहर से मैं आता हूँ यहाँ पर, और साल में लगभग 4 या 5 बार ही इस धाम में जरूर आता हूँ। तो आप भी माता रानी का दर्शन करने जरूर आइए। जय माता दी।